नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। जी हां, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल में पहुंचने पर ममता दीदी को आया जबरदस्त गुस्सा। जी हां दोस्तों, ये खबर हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि कपिल सिब्बल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गोदी मीडिया ही मोदी मीडिया है। जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब बसों के बिल को लेकर छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि रिजर्व बैंक के फैसले पर कांग्रेस ने उठाई सवाल, कहा रेपो दर में कमी का फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि अगली बड़ी खबर प्रशांत किशोर को लेकर। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर चले कांग्रेस की ओर, मध्य प्रदेश उपचुनाव की जिम्मेवारी संभालेंगे। जी हां दोस्तों, कि आत्मनिर्भर नहीं कर्ज निर्भर भारत बनने वाला है यह आर्थिक पैकेज। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इसके बाद बता दें कि कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर सुधीर चौधरी और प्रशांत भूषण में छिड़ी ये जंग। जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि पीएम मोदी के बंगाल की योजना के बाद अलका लांबा ने कहा अभी मात्र घोषणा की है, संघ की सरकार का भरोसा नहीं कब पलट जाए। जी हां दोस्तों, इसके बाद बता दें कि 22 विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया ने कहा लॉकडाउन पर सरकार के पास रणनीति नहीं, सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित। जी हां दोस्तों, इसके बाद बता दें कि दिग्विजय सिंह का तंज, गुजरात से जाकर वाराणसी चुनाव लड़ने वाले पीएम प्रवासी नहीं तो मजदूर कैसे प्रवासी। जी हां दोस्तों, सभी खबरें हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ देने की घोषणा की, ममता दीदी को आया गुस्सा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को अफवान तूफान के कारण हुए नुकसान के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की मदद देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के अम्फान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। मोदी आज सवेरे तूफान प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। उन्होंने कहा कि तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी पर टूट कर पड़ी है। उनका कहना है कि नुकसान 1,00,000 करोड़ का हुआ और पैकेज सिर्फ 1,000 करोड़ का दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, गोदी मीडिया ही मोदी मीडिया है। जी हां दोस्तों, कपिल सिब्बल ने ये जबरदस्त बयान दिया है। प्रवासी श्रमिकों को मदद पहुंचाने की ओर के बीच सरकार और विपक्ष की खींचातान में अब मीडिया को भी एक पक्ष बनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ मीडिया में झूठे खबरों को प्रसारित करने को लेकर आरोप लगाने का क्रम जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मीडिया से कहा कि गोदी मीडिया ही मोदी मीडिया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा जहां बोलने की स्वतंत्रता बहुत कम है लेकिन सरकार के साथ राजनीतिक विशेषज्ञों का चुगलमत काफी है, ऐसे जगहों पर झूठ और गाली को लपेटकर समाचार के रूप में दिखाया जाता है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, आत्मनिर्भर नहीं कर्ज निर्भर भारत बनने वाला है यह आर्थिक पैकेज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के संक्रमण से व्यय और अनिश्चितता का माहौल पूरे देश में है और पूरे देश में आर्थिक मंदी का दौर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का हालत समझने के लिए हमें 2 दृश्यों को समझना होगा। पहला कोरोना संक्रमण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था और कोरोना संक्रमण के बाद की अर्थव्यवस्था। देश के आर्थिक हालातों की समीक्षा करें तो स्थिति बहुत निराशाजनक है। वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में देश ठीक वैसे ही जनवरी 2019 में यदि औद्योगिक कार्य को करने हेतु कर्ज लेने की दर 5.2% थी तो जनवरी 2020 में 2.5% हो गई। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब बसों के बिल को लेकर छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस के बीच बसों को लेकर सियासत जारी है। कोटा से छात्रों को उत्तर प्रदेश वापस भेजने में राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार ने किराए के लिए बिल भेजा तो अब भाजपा ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान सरकार के पत्र को वायरल कर भाजपा नेता कांग्रेस पर निशाना साधने में जुटे हैं। भाजपा का कहना है कि कोटा में फंसे छात्रों को भेजने के लिए राजस्थान सरकार तो यूपी को बिल भेज रही है लेकिन उन बसों का बिल सार्वजनिक करें जो प्रियंका गांधी के कहने पर भेजी गई थी। दिल्ली सरकार के महासचिव कुलजीत सिंह चहल ने राजस्थान सरकार के उन 1,000 बिलों का ब्यौरा मांगा है जिन्हें राजस्थान सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की मांग पर दिल्ली तक भेजी थी। एक ट्वीट करते हुए भाजपा नेता चहल ने
राजस्थान सरकार से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के कहने पर बस भेजी गई थी। बसों के किराए की सच्चाई देश के सामने रखने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत जी, देश जानना चाहता है 1000 बसों के लिए कांग्रेस ने राजस्थान सरकार को कितने का भुगतान किया है, भुगतान की रसीद कहाँ है। राजस्थान ने 70 बसों से कोटा से बच्चों को भेजने का यूपी सरकार को 36 लाख रुपए का बिल भेजा। अगली बड़ी खबर, रिजर्व बैंक के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा रेपो दर की कमी का फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कमी किए जाने, विकास दर के नकारात्मक रहने का अनुमान लगाए जाने और कर्ज ब्याज के भुगतान को मोहलत 3 महीने के बढ़ाने जाने के फैसले पर देश में भयंकर मंदी के संकेत मिलते हैं। पार्टी प्रवक्ता गौरव ने एक बयान में कहा कि रेपो की दर की कमी का फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि कर्ज की मांग नहीं है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सस्ता कर्ज देने का फायदा हो सकता है। हमारे ऊपर इसका बड़ा दुर्भाव रहेगा कि एफडी और बचत खातों पर ब्याज कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने पहली बार यह माना कि मौजूदा वित्त वर्ष जीडीपी विकास दर नकारात्मक रहेगी। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर चले कांग्रेस की ओर, मध्य प्रदेश उपचुनाव की जिम्मेवारी संभालेंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस 15 महीनों में सत्ता गवा बैठी, लेकिन अब वह विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पूरी तैयारी से उतरने के मूड में है। इस चुनाव में कांग्रेस ज्योतिनाथ सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा कांग्रेस प्रदेश में उपचुनाव की रणनीति की कमान प्रशांत किशोर को सौंपने जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने प्रचार अभियान की कमान संभालने के लिए 3 कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार किया था, लेकिन इसमें कमलनाथ ने अंतिम मोहर प्रशांत किशोर पर लगाई है। प्रशांत किशोर को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने यह बता दिया है कि वह चुनाव को हल्के में नहीं लेने वाली। प्रशांत किशोर इससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का श्रेय ले चुके हैं। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस की सत्ता तक पहुंचाने वाली मुख्य रणनीतिकार थे। प्रशांत किशोर ने बिहार के नीतीश कुमार को जीत दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और वकील प्रशांत भूषण के बीच में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। दरअसल मुद्दा जी न्यूज के कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित होना है और इसके बाद सुधीर चौधरी का सोशल मीडिया पर ट्रोल होना। दरअसल सुधीर चौधरी ने दिल्ली के तबलीगी जमात के मुद्दे पर कोरोना जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था, इसी को लेकर अब सुधीर चौधरी को ट्रोल किया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दिया। अपने ट्वीट में वह लिखते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए, सबको वर्क फ्रॉम होम के अनुमति मिले, केवल जरूरी लोग ही दफ्तर आए। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल से यह नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, क्या इसे तिहाड़ नहीं भेजा जाए। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बंगाल में 1000 करोड़ रुपए का किया ऐलान, अलका लांबा ने साधा निशाना, कहा अभी मात्र घोषणा की है, संघीय सरकार का भरोसा नहीं कब पलट जाए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चक्रवर्ती तूफान अम्फान ने जमकर तबाही बरपाई है। इस तूफान से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 77 हो गई। आपदा प्रबंधन और नगर प्रशासन अधिकारी सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा हवाई सर्वेक्षण किया है। अलका लांबा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साबित पात्रा के उस ट्वीट पर रिएक्ट किया है, जिसमें साबित पात्रा ने लिखा अम्फान में हुए नुकसान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1 लाख करोड़ का भुगतान किया है। अगली बड़ी खबर, 22 विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा लॉकडाउन पर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं, सारी शक्तियां पीएमओ के पास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि संकट के समय भी सारी शक्तियां पीएमओ कार्यालय के पास है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिग्विजय का तंज, गुजरात से जाकर वाराणसी चुनाव लड़ने वाले पीएम मोदी प्रवासी नहीं तो मजदूर कैसे प्रवासी हो गए। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर काफी परेशान है, वह अपने घर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीतिक तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा यदि मोदी जी गुजरात से जाकर वाराणसी में चुनाव लड़ते हैं वो प्रवासी नहीं है तो मजदूर कैसे प्रवासी है। जी हाँ दोस्तों, दिग्विजय ने मोदी सरकार पर ये तंज कसा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।